ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे हम एक हेयर ड्रायर। एंड ऐसा वैसा हेयर ड्रायर नहीं है, ये है हैवल्स का 1400 वॉट्स हेयर ड्रायर। अगर आपको क्लोजर लुक देखनी है, आई होप आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली होगी, बट आई थिंक नहीं देखी होगी क्योंकि मैंने डाली ही नहीं है। तो ये हेयर ड्रायर है हमारा, एंड ये अमेजोन पे टॉप रेटेड है, हाईएस्ट रिव्यूज है इसके, अराउंड 6000 रिव्यूज है, तो आप समझ सकते हैं कितना पॉपुलर है। एंड इसका प्राइस है अराउंड 999 है, मतलब 1000 रुपये, बहुत महंगा भी नहीं है एंड सबसे सस्ता भी नहीं है अपने उसमें। एंड ये है 1400 वॉट्स। वॉट्स के होते बेसिकली पावर होती है, जितनी पावर से ये लोग ब्लो कर सकते हैं, पावर जितनी अंदर जाएगी उतनी बाहर निकाल देगा, तो 1400 वॉट्स की रेटिंग है। तो ये हैवल्स का है, हैवल्स आपने कंपनी का नाम तो ऑब्वियसली सुना होगा, एंड इलेक्ट्रिक कंपनी में अच्छी है। एंड ये रिव्यू शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब मैंने इसको कल नहीं खरीदा, इसको मैं 6 मंथ्स यूज कर चुका हूँ, तो रिव्यू मेरा फुल टर्म होएगा इसका, मतलब कंप्लीट रिव्यू मिलेगा एंड आपको कोई और रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है इसके बाद। इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग नहीं डाली क्योंकि मैंने बहुत पहले लिया था, बट रिव्यू में पूरा होएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले देख सकते हैं तीन सेटिंग्स है, 0, 1 वॉर्म, 2 हॉट। तो 0 मतलब 0 ऑब्वियसली बंद होगा, 1 वॉर्म मतलब एक अपनी हाफ वॉट्स चलेगा, 1400 वॉट्स में अराउंड 700-900 वॉट्स पे चलेगा, मतलब थोड़ी कम हवा छोड़ेगा। अगर आपको कम रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, अगर आप जैसे आपको बीएड अपनी करनी है ड्राई करनी है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज है हॉट, मतलब इसकी फुल पावर पे चलेगा। एंड सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इसका लगता है वो ये, दैट इज कोल्ड एयर। अब कोल्ड एयर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप हॉट एयर डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पे मारोगे तो आपको डैंड्रफ इश्यू हो सकते हैं, आपकी स्कैल्प भी ड्राई हो सकती है एंड इवन आपके हेयर को भी डैमेज कर सकते हैं। तो कोल्ड एयर बहुत नेसेसरी होती है, स्पेशली अगर आप मेन हैं, अगर कोई भी मेन्स या फिर वुमेन्स भी अलग अलग यूज कर सकते हैं, कि मेन्स को स्पेशली क्या होता है, उनके हेयर लेंथ छोटे होते हैं, तो उनके लिए स्कैल्प पे हीट मारना बहुत बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसका। तो बेस्ट है आप कोल्ड एयर ही यूज करो। अगर आपके लॉन्ग हेयर है इवन मेन, तो आप उस पर हॉट एयर डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उधर आपको कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा आपके स्कैल्प पे। इवन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हॉट एयर आपके हेयर को भी डैमेज कर सकते हैं, आपको हेयर फॉल भी हो सकता है, तो मैं तो हमेशा अवॉइड ही करता हूँ। इवन मेरे पास पहले फिलिप्स का हेयर ड्रायर था, ओनली रीजन मैंने उसको चेंज किया क्योंकि उसके अंदर कोल्ड का फंक्शन नहीं था। तो कोल्ड एयर का फंक्शन होना बहुत ही, मैं तो कहूंगा मैंडेटरी होता है एक हेयर ड्रायर के अंदर। एंड अब इसकी बिल्ड की बात कर लेते हैं, ये लोग मार्केट जा रहा हूँ, टफ बिल्ड है एंड मेरे बाथरूम में मान लो 6 महीने में अराउंड 10 बार नीचे गिर चुका है। ऑल दो उसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है हुक का, अगर आपके बाथरूम के अंदर हुक है कोई भी कपड़े टांगने का, जैसे इधर पीछे है, तो आप उस पर ऐसे टांग सकते हैं, इसको ऐसे टांग के रख सकते हैं, बट यू नो एक्सीडेंट हैपन्स। तो मेरा भी अराउंड 5-10 बार ही गिर चुका है, लेकिन एक बार इसमें हल्का सा डेंट तक नहीं आया, स्क्रैच हल्के फुल्के स्क्रैच आया बट नेग्लिजिबल है, बट डेंट या फिर कुछ भी ब्रेकेज नहीं हुआ। इसकी पैकेजिंग के अंदर मुझे एक डायरेक्शनल ये भी मिला था हेड, आप देख सकते हैं इसको, इससे क्या होता है आप अच्छे से पॉइंट दसते हैं हेयर किस डायरेक्शन में आपको ब्लो करना है, स्पेशली अगर आपको कोई भी हेयर स्टाइल करना है, अगर आपको इसी साइड ब्लो करना है पूरे, तो उस टाइम काफी हेल्प करता है ये चीज़। तो मैं तो हमेशा इसको ऑन ही रखा है, कभी मैंने उसको उतारा नहीं है। एंड पीछे इसकी ग्रिल भी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है, मतलब ओवरऑल इसकी क्वालिटी मेरे को सही लगी फॉर दी प्राइस एंड फॉर दी रेंज, और डिजाइन भी ठीक है। अब इससे ज्यादा डिजाइन क्या लोगे ड्रायर के अंदर, आप लोग बोलोगे कि 1400 वॉट में और भी सस्ते ब्रांड्स अवेलेबल है, बट मैं 2-3 रीजन दूंगा मैंने वो क्यों पिक नहीं करे। पहला रीजन तो ये है कि देखो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज अपने स्कैल्प पे यूज कर रहे हैं जो कंसिडरेबल डैमेज कर सकते हैं। अगर आप सस्ता ब्रांड ले रहे हो, जैसे कोई चाइनीज ब्रांड्स भी आते हैं, 1400 के आपको 1600-1800 वॉट मिल जाएगा अराउंड 800-700 रुपीज में, लेकिन ओनली रीजन उनमें ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो यूनिफाइड हीटिंग नहीं छोड़ते, मतलब इनका जो पूरा कॉइल है कभी इस साइड से ज्यादा हीटिंग आएगी तो आपको ज्यादा बर्न्स हो सकते हैं आपके बाल पे, जो नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। एंड सेकेंडरी चीज जो है, जो कि मेन चीज है, दैट इज 2 साल की आपको वारंटी मिल रही है इसके साथ, एंड मैं अदर स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ। 2 साल की वारंटी एंड हैवल्स की अच्छी कस्टमर केयर, मतलब टॉप नॉच तो नहीं बट स्टिल अच्छी कस्टमर केयर है। अगर आपको कोई भी रिपेयर कराना हो, एक्सचेंज कराना हो या फिर रिप्लेस ही करवाना हो, तो आप कस्टमर केयर नंबर्स लिखे हुए हैं एंड 2 साल की वारंटी भी लिखी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसके फीचर्स के बारे में देख लिया, अब इसका यूजेज भी देख लेते हैं। मेरे बाल तो अभी काफी ड्राई है, मैंने थोड़ी देर पहले ही शावर लिया था, बट मैं फिर से गीला करके आता हूँ एंड एक बार इसका यूजेज भी करके देख लेते हैं। ओके गाइस, तो मस्त गीले हो गए मेरे बाल, अब इसको कम्प्लीटली अभी इधर से हेयर ड्रायर नहीं मारना, तो पहले थोड़ा टॉवल ड्राई कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर डायरेक्टली अभी हेयर ड्रायर मारा तो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। मैं भी कोशिश करता हूँ पर्सनली कि हेयर ड्रायर का यूसेज मिनिमाइज करूँ, खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका पर्पस तो है, यूटिलिटी तो है। इवन इन विंटर्स में आप देखोगे अगर आप हॉट एयर मारते हो सबसे पहले आपको डैंड्रफ होता है, तो हॉट एयर तो हमेशा अवॉइड करता हूँ एंड जितना कम से कम हो
कम से कम ड्यूरेशन के लिए उतना यूज करो एंड स्कैब से हमेशा दूर रखो। तो देखिए मैंने टॉवल ड्राई कर लिया इसको काफी हद तक, अब हल्का सा मैं कॉम ले लेता हूँ। यार कॉम कहाँ गया। ओके तो कॉम मिल गया, मैं एक बार अपने हेयर्स को डायरेक्शन दे दूंगा, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना हेयर ड्राई वाला प्रोसेस। तो हेयर ड्राई मैंने कनेक्ट कर लिया सॉकेट से, इसको ऑन करता हूँ। इसको ऑन करने में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो मैं सीधा इसको 2 नंबर पे ऑन कर रहा हूँ एंड हीट सेटिंग मैं ऑन रखूंगा। पहले मैं कोल्ड ड्रायर यूज नहीं करता, अगर मैं हीट सेटिंग यूज करूंगा तो हेयर नीचे रखूंगा जिससे मैं स्कैल्प को हमेशा अवॉइड हो। हीट सेटिंग एक बार ऑन करके फटाफट हेयर ड्राई कर लेते हैं। बस इतनी ही देर में हीट ड्राई करता हूँ, इसके बाद मैं कोल्ड ड्राई करता हूँ जब मैं फील करता हूँ मेरे बाल थोड़े गर्म हो गए। अगर इस पॉइंट के बाद आपको वैक्स लगाना था, वैक्स लगाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास लॉरियल की वैक्स रखी तो है, मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। बट मैं आज नहीं लगाऊँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, घर पर लगा क्या करूंगा। एंड आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चला तो घर पर ही बैठना है, तो बेस्ट है इसके बाद नॉर्मल कोल्ड एयर करके अपना एक बार हेयर ड्राई कर लीजिए एंड हाथ से ही या फिर कॉम से जितना सेट हो पाए उतना कर लीजिए। कोल्ड एयर ऑन करते हैं। तो ऑलराइट गाइस इट्स डन। अगर अब मैं वैक्स लगाता तो बहुत अच्छा होल्ड भी मिल जाता मेरे को, बट बहुत गर्मी हो रही है तो कॉम कर लेते हैं एंड मेरे को अपना डिजायर्ड लुक मिल गया बहुत जल्दी। अराउंड 2 से 3 मिनट लगे मेरे को हेयर ड्राई मारने में एंड हेयर कट भी मैंने एक्चुअली घर पे ही किया था क्योंकि बाहर जा नहीं सकता, नाई वाई के जाने में रिस्क है थोड़ा। तो मॉम से बोली घर पे कटवाया था तो कंप्लीट फिनिश नहीं है बट थोड़ा बहुत फिनिश तो मिल गया था मेरे को। तो ये था रिव्यू इसका हेयर ड्राई का। अराउंड 6-7 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ, मेरे को इसमें इशू नहीं मिला आज तक, मतलब 0 इश्यूज मिले, ना ही चलना बंद हुआ है ना ही कोई इसने प्रॉब्लम दी हो। एंड आई थिंक ये अगले 2-3 साल तक भी कोई इशू नहीं देने वाला, उससे पहले तो मैं इसको तोड़ दूंगा मुझे पता है जैसे मैं यूजेज करता हूँ। रिव्यू खत्म करने से पहले मैं कुछ अमेजोन रिव्यूज भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जो यूजर्स ने यूजेज किया होता है उसका रिव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए एंड हमेशा कोई प्रोडक्ट लो हमेशा रिव्यूज पढ़ के ही लो क्योंकि एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना हमेशा बेटर रहता है कहीं भी अंधेरे में तीर मारने से। तो Amazon के रिव्यूज पढ़ लेते हैं, इधर वेबसाइट में डिस्प्ले कर दूंगा क्योंकि जैसे आपको लग जाए कि मैं झूठ नहीं बोलूं, सच में ये रिव्यूज हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं 3 रिव्यूज है, तीनों ये मेन रिव्यूज है क्योंकि Amazon जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं उनको ऊपर ऊपर दिखाते हैं और तीनों ही पॉजिटिव है एंड अराउंड सब पे 5 या 4 स्टार्स है। मैं पहला रिव्यू पढ़ लेता हूँ तारीनी दास का, ब्रिलियंट आइटम होता है। प्राइस तो मेरे को भी यार जेन्युइनली इसका अच्छा लगता है, मतलब इससे कम भी मिल जाएगा लेकिन वैल्यू फॉर मनी है इस टाइम क्योंकि मैं रीजंस आपको दे दिए थे। ब्रिलियंट फॉर द प्राइस, आई ऑर्डर इट बिकॉज आई नीड कूल शॉट। ओके आई सी मेनी रिव्यूज सेइंग कूल शॉट इज वॉर्म बट आई चेक इट माई सेल्फ, इट्स स्लाइट वॉर्म व्हेन यू कीप योर हैंड क्लोज बट ट्राई ब्लोइंग इट फ्रॉम नॉर्मल डिस्टेंस टू योर फेस एंड हेयर एंड यू फील इट इज। हाँ सही कहा इसने कि थोड़ा बहुत तो वॉर्म होगा ही लेकिन आप थोड़े से डिस्टेंस से करोगे तो आपको नॉर्मली लगेगा क्योंकि ट्रैवल करते हुए अपने आप कूल हो जाती है। एक नेगेटिव रिव्यू भी पढ़ लेते हैं इसका, गॉट टू मच हीटेड एंड प्रोड्यूस स्मोक विदाउट बर्न। यार अगर आपका ऐसा कोई पीस आया ना तुरंत एक्सचेंज करो क्योंकि ये मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट है, प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट एंड मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपके पास ऐसी प्रोडक्ट आती है सीधा रिटर्न किया करो, अमेज़न बहुत फ्रेंडली है रिटर्न के मामले में, आप रिटर्न करोगे तुरंत रिटर्न हो जाएगा। सो दैट वाज द रिव्यू गाइस, अगर आपको पसंद आया हो तो थम्स अप कीजिए एंड कमेंट कीजिए, गाली देने वो भी कर दो कमेंट में, कमेंट करो बस अच्छा लगता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब गाइस, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।